हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं ड्रीम्स ऑफ ड्राइव। आज जो है वो मैं सिट्रॉन C3 के बारे में बात करने वाला हूं। हाल ही में सिट्रॉन C3 का क्रैश टेस्ट हुआ है लेटिन एनकैप में, पर वो चीज़ को ग्लोबल एनकैप ने भी शेयर की है। सिट्रॉन C3 जैसे हम सोच रहे थे कि एटलीस्ट 3 स्टार के साथ तो वो कार शायद परफॉर्म करेगी ही, पर अफसोस सिट्रॉन C3 ने 0 स्टार के साथ लेटिन एनकैप में परफॉर्म किया है। वैसे तो सिट्रॉन C3 जो थी वो टाटा पंच की कंपटीशन में लॉन्च की गई थी, पर टाटा पंच कहाँ और सिट्रॉन C3। वैसे ये सिट्रॉन C3 में जो है वो इंजन और वो सब जो है वो टाटा पंच से काफ़ी बेहतर दिया गया है, पर आप सेफ्टी के बारे में सोचोगे तो आप ज़रूर से टाटा पंच की तरफ ही जाओगे। तो वही बात करूंगा मैं कि सिट्रॉन C3 जो थी वो लेटिन एनकैप में 0 स्टार के साथ परफॉर्म करके आई है, और हर कार जो है वहाँ पे 64 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे क्रैश की जाती है बैरियर के साथ। तो वहाँ पे जो मतलब एडल्ट सेफ्टी जो है वो 31% थी और चाइल्ड सेफ्टी जो थी वो 12% के आसपास थी। तो ड्राइवर और को ड्राइवर की सेफ्टी सिट्रॉन C3 में काफ़ी कम है, मतलब वहाँ पे नेक पे और इंजरी जो है वो ड्राइवर साइड पे वो ज़्यादा पुअर देखने को मिली। तो वही है कि पता नहीं ये फॉरेन की कंपनीज इंडिया में ऐसी कार क्यों बेचना चाहती है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि इंडियन शायद ऐसी कार ले ले और सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये सब कंपनीज को भी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए और थोड़ी मजबूत कार बनानी चाहिए, सॉलिड कार। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, ड्राइव सेफ।